अबोताबाद और हरीपुर की सैर करवा रहे हैं। अभी हम हज़ारा हरीपुर इंटरचेंज में दाखिल हो चुके हैं। जमान मीफम ऑफ टीम आज इंशाल्लाह आपको हज़ारा और हरीपुर की सैर करवाएगी, और इंशाल्लाह हो सकता है हम आपको अबोताबाद टनल की भी सैर करवाएँ। मौसम आज काफ़ी खुशगवार है, आज तीसरे दिन है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। व्यूअर्स, आज माशाल्लाह हम अबोताबाद हरीपुर हज़ारा मोटरवे पर चढ़ गए हैं। आपको इंशाल्लाह आज हम हरीपुर में हमारी एक दावत है दोस्त के घर, उसकी भी वीडियो बताएंगे, और अबोताबाद हो सकता है कि हम टनल भी चले जाएं, टनल की वीडियो भी आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में भी कैसे कैसे टनल हैं। तो आज रहमान फार्म हाउस की पूरी टीम उसकी विज़िट करने के लिए जा रही है, तो चलो व्यूअर्स आगे चलते हैं। व्यूअर्स, ये देखें हम माशाल्लाह हरीपुर के एरिया में आ गए हैं। ये आप देखें जहाज, ये देखें F-86। ये आप देख सकते हैं, ये सारा हरीपुर है, बहुत अच्छा खुशगवार मौसम देख सकते हैं। और माशाल्लाह ओके व्यूअर्स, आगे चलते हैं वीडियो के साथ। व्यूअर्स माशाल्लाह हमारी ये टीम देख सकते हैं, सामने बैठी हुई है हमारे बुज़ुर्ग, पीछे हमारे यार दोस्त बैठे हुए हैं। आज रहमान फार्म हाउस की टीम आई हुई है हरीपुर अबोताबाद के टूर पर, आपको भी साथ साथ सेल करवा रहे हैं। हमारे रहमान फार्म हाउस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मंगेश साहब, आज माशाल्लाह आपकी टीम कहाँ आई हुई है? फिलहाल तो हरीपुर में है, आगे इंशाल्लाह अबोताबाद जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आज अपने सब्सक्राइबरों के लिए कवरेज है ना जी, के पी के में हम। अरे भाई, आप माशाल्लाह सफ़र कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इलियास भाई आप बताएं। जी, आज हम अबोताबाद हरीपुर की सैर को निकले हैं, अभी हम हरीपुर पहुँच चुके हैं, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम अबोताबाद के लिए फिर निकलेंगे जी। तो व्यूअर्स, अब हम अपने जो हमारे यहाँ के रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको मुलाकात ही बताते हैं। वहाँ पे हमारा लंच है, लंच भी बताएंगे आपको, फिर हम अबोताबाद के लिए निकलेंगे तो आपको वीडियो बताएंगे। तो ओके व्यूअर्स, आगे चलते हैं।
سن نہیں نہ یار 2003 وچ ببلی پاکستان والے لوگ ویزے لا کے آئے صاف نہیں آنا نا ببلی مہنگا ویزا تما سے لوگ آویا کنے کہ نواز شریف 2003 وچ پاکستان اتنی ترقی جو ہے ماشاءاللہ ابتباد دنی رخ ہو گیا ساڈا اسی ہن انشاءاللہ تساں پاکستان دے وچ ٹنل دساں کہ جڑا بنایا گیا ہے ٹنل او بڑا بہترین ٹنل نے جڑا ہے کس طرح ویکھو بنایا ہے اگے چلنے ہیں جی ماشاء اللہ یہ اسی حویلی کو لگنے آنے تے شاہ مقصود انٹرچینج ہے تسی خالی سامنے پہاڑ ویکھو جی یہ ویکھو سائن بھی آ گئے نے گلگت منزیرا یہ ویکھو پہاڑوں تے گران ہے یہ سامنے نظر آنے پہ سنے ٹھیک ہے جی تساں آگے ادھا سی وینے اج تسی سائڈ نال سیل کرو ویکھو جی ماشاء اللہ ویکھو شاہ مقصود انٹرچینج کو لگنے ہیں دیکھ سکتے ہو پہاڑی ہے نظارہ ہی نظارہ ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ آگے چکے دیکھو بہت ہی پیارے خوبصورت نظارے قدرتی نظارے پہاڑوں سے بعد میں ایک سیر آیا پیارا بہت ہی پیارا نہیں آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے آپ کو ابتباد ٹنل نمبر 1 کی ویڈیو بنا کر بتا رہے ہیں یہ پاکستان ہزارہ موٹر وے کے اوپر ہے پنجاب میں دیکھیں ماشاء اللہ ہم آپ کو پورے ٹنل کی بتا رہے ہیں اور ویورز یہ ڈے ٹائم ہے 3 بج رہے ہیں دن کے اور آپ کو کیسا سامان نظر آ رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحمان فارم ہاؤس کی ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ کہیں گئی ہوئی ہے لیکن ہم پاکستان میں ہیں دیکھیں ٹنل چڑھ رہا ہے تقریباً میرے اندازے سے ٹنل پتہ نہیں میرے اندازے 5-6 کلو میٹر ہوگا یہ دیکھیں اندھیرا دیکھیں ماشاء اللہ کیسا ٹنل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورس کیسا ٹنل ہے دیکھیں آپ ماشاء اللہ سارا نظارہ کریں آپ کو مزہ آئے گا ٹنل ختم ہوتی پھر ہم آگے کی ویڈیو کور کریں گے تھوڑی سی بہت بہترین ٹنل ویورس تو آپ کو ہم نے پہلے ٹنل کی سیل کروا دی ہے اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ویورس دیکھیں ماشاءاللہ جیو جی جیو یہ ابھی ہم ٹنل سے
बाहर निकल रहे हैं। देखें बेहतरीन टनल व्यूवर्स, ये है हज़ारा मोटरवे पर पाकिस्तान में। व्यूवर्स ये हम बाहर निकल गए हैं टनल से, आगे चल के आपको और वीडियो बताते हैं। अब्बोटाबाद में इलियासी मस्जिद की सेल करवा रहे हैं, ये आप देखें, ये सारी इलियासी मस्जिद का व्यू है। ये देखें, ये अब्बोटाबाद की इलियासी मस्जिद है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी टीम खड़ी हुई है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये इलियासी मस्जिद है अब्बोटाबाद में। ये देखें इसका मीनारा वगैरह, ये रहमान मिनी फार्म हाउस की टीम अपने सब्सक्राइबरों को भी आज विजिट करा रही है। ये है इलियासी मस्जिद अब्बोटाबाद, आज रहमान फार्म हाउस की टीम यहाँ आई हुई है। रहमान मिनी फार्म हाउस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में आपको नहीं मिली रहा करें। ये इलियासी मस्जिद थोड़ा सा और भी आपको विजिट कर दें, फिर इनके मशहूर पकौड़ों का भी आपको विजिट करवा दें। ओके जी, बस आगे चलते व्यूअर्स, ये देखें ये सारी इलियासी मस्जिद है, हम देख सकते हैं बहुत मशहूर मस्जिद है अब्बोटाबाद में। ये देखें पहाड़ों के सर पर, माशाल्लाह। बस आप देखें, ये जो है इलियासी मस्जिद है अब्बोटाबाद में, बहुत मशहूर मस्जिद और बहुत बड़ी मस्जिद है, और सर्दी भी अब्बोटाबाद में बहुत है, और हम आपको और विज़िट करवाते हैं। देखें व्यूअर्स, ये सारी इलियासी मस्जिद है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके की मस्जिद है। व्यूअर्स ये इलियासी मस्जिद के नाम से मशहूर है अब्बोटाबाद में मस्जिद है। ये खाली आप समा देखें बाहर का, इसके पकौड़े भी मशहूर हैं और यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की विज़िट करते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, ये आप देखें कलामात लिखे हुए हैं। इलियासी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह, इलियासी मस्जिद के पास मशहूर पकौड़े अब्बोटाबाद, इलियासी मस्जिद के पास जो पकौड़ बहुत मशहूर पकौड़े वाला है उनकी वीडियो आपको बता रहे हैं। ये देखें हम देख सकते हैं, इलियासी मस्जिद के जो कि दूर दूर से विजिटर आकर इन पकौड़ों का चस्का लेते हैं। बाबा सिंह आने शुक्र खैर खैरियत शुक्र बस खैर खैरियत। ये देखें हमारे
बुज़ुर्ग जो हैं इलियासी मस्जिद के पास जो हैं सारे घूम रहे हैं, और व्यूअर्स रहमान फार्म हाउस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों की राय देखें। हमारे बम्बे साहब गुरु टीम होंगे और उन्होंने पकौड़े नहीं बनाए हैं सारे मस्जिद का भी निकाल। ये देखिए मस्जिद के मशहूर पकौड़े, इलियासी मस्जिद पकौड़े का। ये देखिए माशाल्लाह ये इलियासी मस्जिद के पकौड़े जो है हमारे पुलिस साहब दिखाएंगे, और ये देखें ये एग्स पकौड़ा है, इसमें अंडा होता है, एग्स पकौड़ा। ठीक है, तो ये मशहूर पकौड़े वाले हैं, इधर आए थोड़ा इनसे इंटरव्यू ले लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई को कितनी पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी दुकान फिर भी अंदाजा 70-80 साल से, ये 70-80 साल से इनके दादे परदादे ये दुकान चला रहे हैं पकौड़े की। आज हम इनके पास आए हैं, बड़े मशहूर पकौड़े वाले हैं। और भाई जान कौन से दिन आपके पास रश होती है? जुम्मा और आफ्ताब तीन दिन। आप कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं? सुबह 8 से 10। ये सुबह 8 से 10-11 बजे तक इनका काम सिर्फ पकौड़ों का है, क्योंकि ये मशहूर पकौड़े हैं। इलियासी मस्जिद जो भी आता है वो कहता है कि हम पकौड़े लाजमी खाएँ। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह अब आपको रास्ते की वीडियो बताएंगे और दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह वालेकुम भाई जान। भाई जान पकौड़े की दुकान कितनी पुरानी है? काफ़ी पुरानी है, उस वेले की पुरानी दुकान है, जिस वेले कोई भी दुकान नहीं है। अच्छा, कोई मकान है ना कोई दुकान है। अच्छा अच्छा, ये इलियासी मस्जिद किस वजह से मशहूर है? मतलब ये चश्मे की वजह तो मशहूर है, इसने ये चश्मा जड़ा है। पाकिस्तान बनने तो पहले की मस्जिद है। अच्छा, चश्मे तो थोड़े को हफ्ता एतवार जुम्मे नहीं रश होनी उसी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारे पकौड़े ना इंटरनेशनल लेवल ते वे इलियासी मस्जिद ना पकौड़ा खासा वांगे। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह, ये देखें आप सारे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रहे हैं सब। ये देखें मस्जिद में बहुत बड़ा रश, और ये सारी पकौड़ों की दुकानें हैं सामने, देखें पार्किंग और बड़ा बेहतरीन मकाम। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। व्यूअर्स माशाल्लाह पकौड़ों का मज़ा लिया जा रहा है। लगत बाबू इलियासी मस्जिद के पास पकोड़े खा रहे हो? हाँ, अंडे वाले पकोड़े जी माशाल्लाह। और ये वे कौन पकोड़े जड़ा अलियास बम्बली दे बंगो साहब त्यारे फोर के दिन माशाल्लाह। बबली जरा पकोड़े चाह के दस ना यार, आ रहे भी पकोड़े चाह के दस नहीं मान जाए। ये देखें बंगो साहब, ये आज इलियासी मस्जिद के पकोड़े चल रहे हैं माशाल्लाह। व्यूअर्स ऑन बस जड़ा वापसी की तैयारी करने हैं, तो सरप्राइज तो इलियास जड़ा थोड़ी जी राय नहीं वीडियो दसी दे बाद इंशाल्लाह छज ते पहुंच के इंशाल्लाह खत्म कर सा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। चर्च इंटरचेंज पर पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी वापसी है। चर्च इंटरचेंज से उतर चुके हैं, अपने घर की तरफ रवाना हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। रहमान फार्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।